तौरात और इंजील दोनों जो किताबें थी ना अपने फॉलोअर्स पे आई थी, कुरान अपने फॉलोअर्स पे नहीं आया, कुरान अपने रिजेक्टर्स पे आया था। ये कोई भी मौलवी जो है ना ये नहीं बताता कि तुम्हें पता है इस किताब की ब्यूटी क्या है। बनी इसराइल कोई तूर तक आ चुकी है, सब ईमान ला चुके हैं, मोजे मोजे नजर आ रहे हैं, इतने में हजरत मूसा गए हैं, तौरात ले आए, एज इज आ गई, मानने वाले अपने फैन क्लब के ऊपर ही बुक नाजिल हो रही है, ये समझ लें आप। कुरान आया अपने हेटर्स, रिजेक्टर्स, आर्ग्यूअर्स, एथिस्ट, पेगन्स, यू नो ऑल ऑफ दोस बिग शॉट्स जो कि मान नहीं रहे, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से अल्लाह ताला प्लेस कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इसको मैंने कहीं पे भी ये इंप्रेशन नहीं देना कि पहले से कोई फिलॉसफर था, ये कोई पढ़ा लिखा था। एवरीथिंग इज प्री पोजिशनड एंड देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बड़ी माइनॉरिटी पकड़ी हुई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आके मक्की सूरतों में और मरियम के बारे में डिक्लेरेशन दी। मरियम जो है ना ऑल ऑफ अ सडन हेटरेट का फ्यूल जैसे तेल डाल दिया जलती हुई आग, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो जिसमें उतरा, लेकिन फिर भी द ऑपरेंट्स फेल इन लव विद द कुरान।